नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और ले चलती हूं आपको सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है की ओर। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। पहले कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार आधुनिक युग का तीसरा काल जो कि छायावाद है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी एक स्तंभ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये छायावाद की जो त्रिदेव है उनमें भी सम्मिलित है। ठीक है, इनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक जगह पर सन 1899 में हुआ था। यह मूलतः गढ़ा कोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9th क्लास तक हुई थी और निराला का जो पारिवारिक जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। कहने का तात्पर्य है, निराला जी के जीवन की अगर आप देखें तो निराला जी का जीवन अभावों में व्यतीत हुआ। उनके पिता थे, उन चौथी संतान थी ये अपने पिता की, और ऐसा कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जब विवाह हुआ तो विवाह उनका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उनकी पत्नी का भी निधन हो जाता है, उनके बेटे का भी निधन हो जाता है, और कुछ समय बाद जब उनकी पुत्री का विवाह होने वाला होता है उसी समय उनकी पुत्री जो कि सरोज नाम था उनका भी देहांत हो जाता है। अब पुत्री की मृत्यु पर ये इतने शोकातुर हो जाते हैं, इतने शोक में डूब जाते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि सरोज स्मृति नामक रचना का निर्माण किया। सरोज स्मृति जो कि संसार का सबसे बड़ा शोक गीत आप उसे कह सकते हैं, हमारे हिंदी साहित्य की अनूठी देन वो मानी जाती है। सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी बेटी से जुड़ी सारी यादें, बेटी के विवाह के समय की सारी यादें उन्होंने लिखी और बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने इस अपनी रचना में किया है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों में माने जाते हैं। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं अट नहीं रही है, हम पढ़ने जा रहे हैं कविता अट नहीं रही है। ये जो कविता है ये फाल्गुन महीने की वसंत ऋतु जो आती है जिसका आगमन हमारे भारत में फरवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में आती है और मार्च का पहला और दूसरा सप्ताह जो होता है उसके अंतर्गत ही रहती है। वसंत ऋतु के आगमन पर, जैसा कि हम पहले आचार्य देव की कविता में पढ़ चुके हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर किस प्रकार खुशहाली का वातावरण छा जाता है, पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां खिलाती हैं, चारों ओर खुशनुमा माहौल, हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर फूल आ जाते हैं सुंदर सुंदर। कहने का तात्पर्य चारों ओर खुशहाली छा जाती है। तो वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत के आगमन पर प्रकृति में बहुत सौंदर्य छा जाता है, शोभा छा जाती है, और वो शोभा इतनी है, वो सुंदरता इतनी है कि कवि के मन में समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है का मतलब, अट का मतलब समा नहीं रही है। हम सभी जानते हैं कि फाल्गुन के माह में ही क्या आती है, होली का त्यौहार आता है। फाल्गुन के माह में ही शिवरात्रि आती है और ये त्यौहार हमारे मन को खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले होते हैं, क्योंकि सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी का आगमन यहाँ हो जाता है। तो धीरे धीरे जो शीत है वो कम होती है, सर्दी है वो कम होती है, और गर्मी का थोड़ा थोड़ा तापमान जो है वो बढ़ने लगता है और सर्दी कम होने लगती है। हम पढ़ रहे हैं कविता अट नहीं रही है। ये कविता अट नहीं रही है फाल्गुन माह के बारे में बताइए। फाल्गुन के माह का मानवीकरण यहाँ किया गया है। अब मानवीकरण क्या है, आप सभी जानते हैं कि अलंकारों का काव्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अलंकारों से ही कवि अपनी कविता में, अपनी रचनाओं में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। तो मानवीकरण क्या है, देखिए मानवीकरण होता है प्रकृति के तत्वों को जब सजीव बता करके चित्रण किया जाता है। अब यहाँ पर फाल्गुन की शोभा को बताया जा रहा है कि फाल्गुन की शोभा इतनी है कि वो मन में समा नहीं रही है। तो फाल्गुन के माह का मानवीकरण यहाँ किया गया है। फाल्गुन के महीने को जीता जागता इंसान के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे जीता जागता इंसान सुंदर लगता है, उसकी शोभा बिखरती है चारों ओर, वैसे यहाँ फाल्गुन के माह की सौंदर्यता का बखान यहाँ किया गया है। आइए पढ़ते हैं, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की, तनसट नहीं रही है। कहने का मतलब क्या है यहाँ कि फाल्गुन का महीना आ गया है, फाल्गुन के महीने के आगमन पर
उसकी शोभा इतनी सुंदर है, वो इतना सौंदर्य चारों ओर वातावरण में प्रकृति में फैला हुआ है। जैसा कि आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में भी आपको देखने में ही इनकी सुंदरता झलक रही है आपके सामने। तो कहने का मतलब प्रकृति में ये जो पिक्चर्स लगी हुई है ना, ये पिक्चर्स भी फाल्गुन महीने के आगमन का संदेश दे रही है हमें। हमारी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो इसकी शोभा समा नहीं पा रही है, अट यानी समा नहीं पा रही है। ठीक है, आभा फागुन की तन की, फागुन का जो सौंदर्य आभा आप कह सकते हो, चमक ग्लो जो होता है, वो ग्लो समा नहीं पा रहा है। प्रकृति का जो सौंदर्य है चारों ओर, जो सुंदरता फैली हुई है, वो सुंदरता कवि के मन में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, मतलब उसके मन में वो पूरी तरीके से समा नहीं पा रही है। इतना सौंदर्य प्रकृति में भर गया है चारों ओर, हरे हरे पेड़ खिल गए हैं, उन पेड़ों पर लाल लाल पत्ते आ गए हैं, उनमें फूल आ गए हैं, ये फूल इतने सुंदर है, प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, इसका सौंदर्य कवि की आंखों में समा नहीं पा रहा है। चारों ओर इतना खुशनुमा माहौल, इतना खुशनुमा वातावरण हो गया है कि जो सौंदर्य है वो कवि को बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सौंदर्य कवि की आंखों में, कवि के हृदय में समा नहीं पा रहा है। जैसे कि आपको पता है फाल्गुन के माह में होली का महीना आता है, होली आती है, तो होली का जो पर्व आता है, वो होली का पर्व वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस त्योहार के लिए बहुत जाना जाता है। श्री कृष्ण के यहाँ वहां पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं होली के टाइम पे, रसिया गाए जाते हैं, फाग गाए जाते हैं, फाल्गुन में होली के गीत गाए जाते हैं। तो वो होली का ही दृश्य एक आपके सामने है, किस प्रकार कृष्ण अपने सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में, अपने ग्वालों के साथ में यहाँ होली की क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पर कवि क्या वर्णन करना चाह रहे हैं, देखिए कवि यहाँ पर वर्णन करना चाह रहे हैं कि फाल्गुन का महीना जब आता है, तो फाल्गुन के मास में क्या होता है, चारों ओर फूलों की खुशबू फैल जाती है, यानी जो फूल है वो खिल जाते हैं और उनकी जो खुशबू है, जो महक है, वो वातावरण में चारों ओर फैल जाती है। तो वातावरण में चारों ओर फैली हुई खुशबू का एहसास कैसा लग रहा है, मानो जो फाल्गुन है वो सांस ले रहा है, वो सांस ले रहा है। श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, तो वही क्रिया जब यहाँ पे फाल्गुन का महीना कर रहा है, फाल्गुन को क्या कर रहा है, मानवीकरण किया है, तो ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन सांस ले रहा है, और जब वो सांस छोड़ रहा है तो छोड़ते समय जो मंद मंद सुगंध है, खुशबू है फूलों की, वो चारों ओर वातावरण में फैल रही है। घर घर भर देते हो, जितने भी घर हैं वो फाल्गुन के सांस लेने के कारण, श्वास लेने के कारण, खुशबू ही खुशबू, महक ही महक चारों ओर हर घर में फैल रही है, खुशबू ही खुशबू चारों ओर आ रही है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और वो खुशबू आसमान तक आप स्पष्ट कर सकते हो, आसमान तक आप उस खुशबू का आनंद ले सकते हो, वो जो मनोहर धीमी धीमी जो गंध है, सुगंध है, उसका आनंद आप आसमान में भी ले सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि फाल्गुन का मास जब श्वसन क्रिया करता है, फाल्गुन जब सांस लेता है, तो उसके सांस लेने पर ना केवल घरों में, बल्कि कल्पना के पर लगा करके कल्पना रूपी आकाश में वो विचरण करने लगता है, अपने पर फैला करके वो आसमान में भी उस खुशबू को फैला देता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, कवि कह रहा है कि मैं प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख करके, फाल्गुन में होने वाले परिवर्तनों को देख करके आंख हटाता हूँ, यानी मैं उसको देख रहा हूँ और मैं वहां से आंख हटाने का प्रयास करता हूँ तो भी मेरी नजरें हट नहीं रही है। यानी वो सौंदर्य इतना सुंदर दृश्य है प्रकृति का, फाल्गुन में इतनी सुंदर प्रकृति लग रही है, चारों ओर खुशनुमा माहौल, खुशनुमा वातावरण है, हरियाली है, प्रत्येक डाली पे फूल खिल गए हैं, पत्ते नए नए पत्ते आने लगे हैं। आपको पता है आम के पेड़ में जो बौर आते हैं, यानी आम के पेड़ में जो छोटे छोटे फूल आने लग जाते हैं, उन फूलों में फिर आम आते हैं, तो वो भी इसी फाल्गुन के मास
मास में ही आते हैं, होली के टाइम पर आते हैं, ठीक है। जो बाद में बड़े होकर के हम उसको चैत्र के महीने में कैरिया खाते हैं, फिर ज्येष्ठ के महीने में हम वो आम खाते हैं, तो वो उन बोरों का आना यानी उन कोपलों का आना भी कौन से माह में आता है, फाल्गुन के मास में ही आता है। तो प्रकृति का सौंदर्य देख करके, फाल्गुन में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को, सुंदर परिवर्तनों को देख करके कवि की आंखें उस सौंदर्य से हट नहीं पा रही है। पक्षी भी कलरव करते हैं, प्रकृति इतनी सुंदर लगती है, इतने प्यारे प्यारे दृश्य प्रकृति में दिखते हैं हमें कि हमारी खुद की नजरें उन दृश्यों से नहीं हट पाती। आप खुद देख रहे हैं मेरे पीछे जो पिक्चर्स चल रही हैं, वो पिक्चर्स वो फोटो भी प्रकृति में हुए परिवर्तनों की है, बसंत ऋतु की है जो कि आप देख रहे हैं। आगे है डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पाल पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कि पेड़ जो है उनके डालियां जो है वो पत्तों से लद गई है, लद गई यानी भर गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक पेड़ के ऊपर इतनी घनी पत्तियां आ जाती है, बहुत सारी पत्तियां आ जाती है, तो उन पत्तियों से पेड़ लद गए हैं, लद गए यानी भर गए हैं वो पेड़। कहीं हरी लाल, कहीं कहीं हरी पत्तियां होती है, कहीं कहीं लाल पत्तियां होती है। जैसे आप नीम की पत्तियां अगर देखें तो नीम की पत्तियां जब नई नई पत्तियां आती हैं तो वो नई नई पत्तियां कैसी होती है, लाल होती हैं, और जब वो बड़ी होती हैं यानी वो विकसित होती हैं तो वो हरी हो जाती हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि ये पेड़ों पर जो पत्तियां आई हैं ना, जो पेड़ पत्तियों से लद गए हैं, भर गए हैं, वो पत्तियां कहीं पर तो हरी है और कहीं पर लाल रंग की है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ कह रहे हैं कवि कि कहीं कहीं पर उर यानी हृदय, यहाँ इसे गले के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि यहाँ पर जो फाल्गुन है उस फाल्गुन के गले में या आपके लिए पेड़ों के गले में पुष्पों की माला है, और वो पुष्पों की माला कैसी है, वो चारों ओर मंद मंद सुगंध फैला रही है। कहने का तात्पर्य यह क्या है कि फाल्गुन के माह में वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है, वातावरण में चारों ओर आपको पता है हरियाली छा जाती है, फसलें पक जाती है। तो हरियाली छाने का तात्पर्य क्या है यहाँ कि पेड़ जो है वो हरे भरे पेड़ हो गए हैं, उन हरे भरे पेड़ों पर जब फूल आते हैं तो वो फूल ऐसे रंग रहे हैं मानो फाल्गुन ने या पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला पहन रखी है, और वो फूलों की माला मंद मंद गंध देने वाली, धीमी धीमी भीनी भीनी खुशबू देने वाली है। और प्रकृति में चारों ओर क्या फैल रही है, उन्हीं पुष्पों की धीमी धीमी मंदा मंदा मंद गति से खुशबू फैल रही है, चारों ओर वातावरण में महक फैल रही है उन फूलों की। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है कि प्रकृति का ऐसा सौंदर्य इतना सुंदर है, यानी चारों ओर इतना सौंदर्य फैल रहा है कि वो मेरे मन में समा नहीं पा रहा है। वे सौंदर्य जो है प्रकृति का वो इतना सुंदर, इतनी अच्छी प्रकृति लग रही है, चारों ओर ऐसा खुशनुमा माहौल फैल रहा है, वातावरण इतना इतना सुंदर है कि वो मेरे मन में समा नहीं पा रहा है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। कवि वर्णन कर रहे हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन पर जो चारों ओर परिवर्तन हो जाते हैं, चारों ओर जो वातावरण हो जाता है, हरियाली छा जाती है, वो हरियाली प्रकृति में देखने लायक होती है। प्रकृति का जो रूप है, जो यौवन है, जो सुंदरता है, वो बहुत ही देखने लायक होती है, सुंदर होती है, मन को मोहने वाली होती है। आपको ने देखा होगा कि वसंत ऋतु के बारे में आचार्य देव ने भी वर्णन कराया है। आचार्य देव ने आप ही की पुस्तक में, 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी क्षितिज भाग 2, उसमें वसंत को एक शिशु के समान बताया है, और उस शिशु को झूला दे रहे हैं, जो नए नए पत्ते हैं डालों पर, जो पत्ते आए हैं वो पत्तियां उनको झूला, जो नए नए पत्ते हैं वो उसके बिछौने का काम कर रहे हैं, डालियों ने पालना बना दिया है उसके वसंत रूपी शिशु के लिए। मोर कोयल तोते उससे बातें कर रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। कामदेव का पुत्र वसंत ऋतु को बताया गया, वसंत को बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेनापति जी का वर्णन जो है, रीतिकाल के जो कवि सेनापति हैं, आचार्य देव भी जो है रीतिकाल के ही कवि थे, तो रीतिकाल के कवियों ने भी प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सेनापति ने
वसंत ऋतु को राजा बताया है ऋतुओं का, और राजा इसलिए बताया है क्योंकि प्रकृति में चारों ओर हो रहे परिवर्तन को यहाँ सबसे सुंदर बताया गया है, सबसे मनोरम बताया गया है। वसंत रूपी राजा के आने पर प्रकृति में चारों ओर क्या होती है, चतुरंगिणी सेना उसकी तैयार हो जाती है। चतुरंगिणी सेना से तात्पर्य यहाँ रंग बिरंगे फूलों के खिलने से है, और उसके यश का गान यानी उनकी सुंदरता का बखान पक्षी खुद अपने मुंह से करते हैं। जैसा कि आपने भी देखा, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन पक्षी अपने मुख से करते हैं। कोयल बोलती है, तोते बोलते हैं और मोर बोलने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य है वो वसंत ऋतु में अपनी चरम सीमा पर होता है। वसंत रूपी राजा आता है, वसंत रूपी राजा आने पर प्रकृति चारों ओर खुशनुमा हो जाती है, बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी कविता अट नहीं रही है। आपको हमारी कविता कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।